हेलो फ्रेंड्स, मैं जयम, आप लोग का स्वागत है। लेकिन इससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 12 और आप लोग सोच रहे हो कि मैं रात के 12 बजे वीडियो क्यों बना रही हूँ। नो गाइस, ये कोई हॉरर वीडियो नहीं होने वाला है, कोई चैलेंजिंग वीडियो नहीं होने वाला है। ये होने वाला है क्योंकि ना हम लोगों ने आज ना बहुत मतलब भूख लग रही थी, हमने खाना खाया लेकिन हमारा ना पेट ही नहीं भरा। तो हमने सोचा कि चलो भाई कुछ बनाते हैं, और हमने और मेरी मम्मी की डिमांड पर मैं ही चीज़ बना रही हूँ जो कि है, हम रात में क्या खाएंगे भाई, इतना कुछ बना सुनो कर थोड़ी चीज़ें बनाएंगे। तो हम बना रहे हैं मैगी। सो गाइस, ये रात में जो है ना हम, और हाँ ये मैगी की रेसिपी मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि ये थोड़ी सी हटके होने वाली है। इसकी वजह से ना नॉर्मल मैगी तो हम सबको बनानी आती है, तो उसका वीडियो मैं क्यों ही बनाती, और इतनी गर्मी में ना मैं ऐसा परेशान हो रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। चलो आओ स्टार्ट हो जाते हैं मैगी बनाना। तो गाइस, मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैगी। तो चलो हम इस मैगी को, और हाँ गाइस, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और ये रही मैगी हमारी 2 मिनट्स में, इन्हें लिख रखा है कोई भी मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है। यहाँ पर मैगी, यार देखो हमने मैगी खोल ली है, मसाला इसलिए बहुत कम है। हम लोग नॉर्मली पानी डालते हैं, मैगी डालते हैं, वो बना के डाल देते हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ी अलग बनाएंगे। तो लेट्स बिगिन। वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देखो हमने यहाँ पर गैस जला दिया है, गर्मी में भाई, अब मैं इतनी बार गर्मी गर्मी बोलूंगी अगर जो एसी में बैठा हो उसे भी गर्मी लगी। तो गाइस चलो, यहाँ पर हमने एक क्या लिया है, हमने जो भी आप बर्तन ले लो कोई भी जिसमें आप मैगी अपनी डाल सको अच्छी तरीके से। यहाँ पर पैन ले लिया है ऐसा कुछ, और यहाँ पर मैं एक मतलब जिसमें आपकी जो मैगी है ना वो हो जाए। देखो मैं तो एक ही पैकेट बना रही हूँ कि मुझे इतनी भूख नहीं लगी, तो क्योंकि दूसरा पैकेट इनके पास है नहीं है, और कल भी उन्हें जो काम चलाना है दूसरे पैकेट से, नहीं नहीं, और थोक में मैगी आती नहीं। तो इसमें हमें ये मैगी ताकि ये अच्छी तरीके से हो जाए, तो हम इसमें मैगी, भाई मैं तो बोल रही थी जल रही थी, हाथ को नहीं अच्छी तरह से जो है वो करना है बॉयल, मैगी को ही बॉयल करना है। तो यहाँ पर तो मसाला डाल दो, हो गई मैगी। नहीं हम ऐसी नहीं बनाती। हाँ तो कैसे बना रही हो? हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इंग्लिश बोल रही थी लेकिन मैं सोचा यार मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये डाल ली है, मैगी डाल ली है, इसको हमें बॉयल होने के रख देना है। अब भाई बॉयल होते थोड़ी सी खाओगे, चलो इसको हम बॉयल होने के रख देते हैं, अपनी आगे की प्रक्रिया देखते हैं। प्रक्रिया देख रहे हैं। अच्छा तो इसको जो ढकेंगे नहीं किसी से क्या? नहीं ढकना होता, नहीं ढकना होता, मतलब कीड़ा मच्छर वच्छर कुछ भी पड़ जाए सब, मतलब स्पेशल मैगी बनने वाली है, स्पेशल मैगी। हाँ आप क्या करने वाले हैं? तो एक्चुअली मैं सोची थी मम्मी आप इधर रखोगे तो थोड़ा सज जाएगा, थोड़ा साइड में सजा सजा के लोग नहीं रखते। वो देखते ना वो जो चैनल, ये देखो गाइस सज गया। तो गाइस अभी हमारे पास पुराने फूल की पत्तियां भी है, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो गंदी लगी हुई। तो यहाँ पर हमने रख दिया प्याज, लग रहा है अम्मा। तो यहाँ पर हमने डाला मैगी मसाला, और यहाँ पर रख दिया हमने मैगी का जो पैकेट, नहीं ये इज नॉट गुड, ये अच्छा लहसुन अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमने ले लिया मैगी का मसाला जो की बहुत छोटा सा आता है, और हमें ये बॉयल होती है मैगी भी देखनी पड़ेगी है क्योंकि हार्ड है। हाँ तो देखो अभी हम गाइस, देन फिर हमें लेना है ये क्या है मम्मा इसको क्या बोलते हैं, मूंगफली, कच्ची मूंगफली ऐसी डाल लेंगे, कच्ची मूंगफली फ्राई नहीं करेंगे ऐसी कच्ची, मुझे नहीं पता भाई मैं भूल गई। रुको गाइस, कुक जो है यहाँ पे खुद ही कंफ्यूज है, वो जो है उन्हें नहीं पता कि कच्ची लेनी है आज है फ्राई करनी है। पता है गाइस, ये तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन ये पता है जो इस बार जो मैगी बना रही है ना इतनी यूनिक बना रही है, मैंने जो है मतलब मैं कभी भी मैगी नहीं खाती हूँ, फर्स्ट टाइम जब इसने पहली बार मुझे जो है बना के खिलाई थी ना, तो इतनी मुझे टेस्टी लगी थी, इतनी मुझे टेस्टी लगी थी, और मैंने इससे जो है डिमांड किया कि मुझे मैगी चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहिए तो मतलब चाहिए। तो इसने जो आज 12 बजे बोली कि मम्मी चलो मैं आपकी विश को जो है पूरा कर देती हूँ। तो okay, तो क्या करना है मूंगफली का, आई थिंक फ्राई करना है गाइस, आप लोग पूरा वीडियो देखना, देखो मैंने मूंगफली खा ली मसाला इस बार भाई। देखो गाइस, तो अभी मतलब हम थोड़ा सा ये काट लेते हैं, ये क्या होता है हमारा लहसुन होता है, तो हम लहसुन काटते हैं इसमें फिर हम डालेंगे। ओके गाइस, ये मत दिखाइए। ओके ओके एवरीबॉडी, और ये पता है बहुत जल्दी बन जाती है मैगी जो है, बहुत जल्दी फटाफट से, है ना, इसमें मेहनत जितनी लगती है ना वो बनाने वाले को ही पता है। हाँ दिख रही है मेहनत, दिख रही है।
दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी हमने मैगी थोड़ी सी बॉयलर में रखी थी, थोड़ी सी ना हो गई है, अब हम इसको ढक कर रख देते हैं, गैस ऑफ कर देंगे। बस हो गई, अभी ऐसी खा लो। हम इसको लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो आप लोग बोर ना, तो आप लोग बोर ना हो, ये मेरी फालतू बकवास सुनते ही कृति हरकतें देखकर इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा आपको हंसा देती हूँ। आई नो तुम्हें हंसी नहीं आ रही। चलो गाइस, चलिए गाइस अभी हम लोग काटते हैं लहसुन। लहसुन लहसुन को काटने से पहले शायद छीला भी जाता है। हाँ छीला जाता है, वो मुझे नहीं आता तो मैं मम्मी से छिलवाऊंगी। ओके गाइस, ये सो गाइस मैं आ गई थोड़ा सा बाहर, वैसे तो पंखा नहीं चल रहा, अंदर तो बहुत गर्मी हो रही है और मम्मी को मैंने लहसुन छीलने का काम दे दिया है। और देखिए हमारी जो यहाँ पर जो मूंगफली भी डीप फ्राई हो रही है भाई। और देखिए मूंगफली हमारी जो है डीप फ्राई हो गई है, अब इसे कहाँ डालना है? इसमें डालना है, इसमें डालना है कुएं में। ओके दैट्स इट मॉम, थोड़ी सी मूंगफली डालेंगे ना इसमें, ज्यादा डाल देंगे मूंगफली, मतलब जितनी भूनी उतनी डालोगे सब, मतलब थोड़ी सी ना, ज्यादा नहीं डालनी गाइस आपको, इनकी वजह से डाल ली वरना अच्छी। तो गाइस आपको प्याज थोड़ा सा ना मोटा काटना है क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू माय मॉम, वरना आपकी जैसी मर्जी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने डाला है चिली सॉस। ओके चिली सॉस ही, देखिए आपको कुछ वहम हो तो मैं डाल चिली सॉस क्योंकि आप लोग बहुत गलत समझते हो, आई नो। तो हमने डाला है चिली सॉस। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं हम क्या डालेंगे। मम्मी इसको रख दो। और नेक्स्ट चीज़ है हमारे कैमरा ऑन है क्या? ओके नेक्स्ट चीज जो है वो इन्हें नहीं पता होगी। हाँ बताओ क्या डालना है। देखो गाइस अब हमें ये मसाले के डिब्बे में से ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, हमें लेना ये, या हमने बहुत मिर्ची वाला बना दिया। क्या है ये? ये रेड चिली, कुछ और तो नहीं है मसाला? अरे भगवान। क्या क्या ओ भाई ये जल क्यों? सो गाइस बाहर कुत्तों की लड़ाई होने के साथ यहाँ पर हम कुत्तों के गले पे नमक छिड़े देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुएं में नमक डाल दिया है। और गाइस अब हम इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, चलो आइए मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस अब हम इसको मिक्स कर देंगे और आप इसमें सॉस भी डाल सकते हैं। एक्चुअली मेरे को सॉस नहीं पसंद है तो इसकी वजह से यहाँ पर मैंने सॉस नहीं डाला है। मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ आई नो, तो मैंने सॉस नहीं डाला है। और आप लोग चाहो तो सॉस डाल सकते हो अगर आपको पसंद है, मुझे नहीं पसंद, मुझे ऐसी स्पाइसी वाली अच्छी लगती है। तो बस हाँ सर, सब्जी में जो है मिर्च खाई नहीं जाती है और जो चिली पटेटो में जो है खा ली जाती है, मैगी में खा ली जाती है ना। सो गाइस ये हम इसमें तेल डालेंगे और थोड़ा सा, और टू मच, थोड़ा सा ज्यादा, इतना नहीं कम करो। हाँ दैट्स इट, यस यप 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 दैट्स इट। हमें मिक्स कर लें, यस हमें। ये गाइस ना इतनी अच्छी मैगी जो है बनाती है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल यूनिक है। और जब से इसने जो है बनाना स्टार्ट करी तब से मुझे तो भी ये बहुत अच्छी लगती है और आज के बाद से आप लोग के भी अच्छी लगी दावा है। तो देखिए मैगी का पानी जो है पीहू ने बिल्कुल पूरी तरह से अलग कर लिया है और उसे छलनी पे फैला लिया है। कितना दिमाग लगाया गाइस, चलो कुछ नहीं हुआ, मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। हम इससे इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें नहीं करा क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी था तो हमने नहीं करा उसमें। इसको ऐसे रख देंगे एंड देन तो इसमें मसाले कम और इतने ज़्यादा इंग्रीडियंट
लग रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको सीधे इसमें डालेंगे, जस्ट लाइक कोरियन वाला आपने देखे ना, उसमें सॉस वॉस डालते हो तो इसी को इसकी साइड में ऐसे करेंगे, तो उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देते, दवा को मिट्टी बंद करो अभी। सो गाइस, यहाँ पर हमने इस तरीके से मिक्स कर लिया है, और अगर आप खाओ, अगर आपको थोड़ी थोड़ी बाइट दी तो मिक्स कर लेना। और चलिए गाइस, इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी बनी है। एंड गाइस, चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये स्पाइसी है एंड ये बहुत अच्छी है, फ्लेवर्ड है। अगर आप इसमें सॉस डालोगे तो और अच्छी होगी। मतलब हमने तो, हमारे स्पाइसी अच्छी लगती है, क्यों मम्मा, मम्मा को स्पाइसी अच्छी लगती तो हमने स्पाइसी बनाई है। तुम लोगों को थोड़ा मीठा अगर अच्छा लगता तो हाँ, तो थोड़ा सा सॉस भी ऐड कर सकते हैं, सॉस ऐड कर सकते हो। हाँ, लेकिन लेकिन सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इस टाइप की जो मैगी है ना, बिल्कुल भी जो है तामझाम नहीं है। इसमें जो है बिल्कुल आपको जो है, मतलब इसे जो है बॉयल कर देनी है, हल्की सी बॉयल करनी है, बिल्कुल लहसुन नहीं बनानी है, और थोड़े थोड़े से मोटे मोटे प्याज काटने हैं और थोड़ा लहसुन काटना है। अगर आपको मूंगफली पसंद है तो डालिए, अदरवाइज मत डालिए। और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मिक्स करके इतनी मस्त मैगी जो है तैयार। प्याज मैंने आपको कंपल्सरी नहीं बोला है, मोटा मोटा डालेगा मम्मा कह रही है। तो अगर आपको अच्छा लगता है पतला पतला, तो आप पतला पतला कट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप देखो, अगर आपको ये डालना है, ये जो होते हैं इससे वैसे और अच्छा टेस्ट हो जाता है मूंगफली के दानों से, और बहुत अच्छा, मतलब वैसे ना चंक्स आते हैं लाइक सो मच। तो मतलब अगर आप चाहते हो तो अच्छा है, अगर आप लोग को नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो, वरना इसके साथ बहुत अच्छी लगती है मैगी, तो बहुत टेस्टी लगी। तो मुझे अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।